जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से इस बार मुठभेड़ चल रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर अनंतनाग में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर सुरक्षा बल को मिली, जिसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है और अभी मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दें कितने आतंकी हो सकते हैं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये संख्या 2 से 3 भी हो सकती है। फिलहाल पूरे इलाके को घेरा गया है और फिलहाल वहां मुठभेड़ चल रही है। हमारे साथ रिफत इस वक्त जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। रिफत, कितने आतंकी छिपे हो सकते हैं? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से आपने कहा कि 2 से 3 हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न रहता है वहाँ 2 या 3 एक साथ होते हैं मिलिटेंट, तो ये सिरी गुफवारा का एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस थी और सुरक्षा बलों को पता चला कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। आर्मी, CRPF और पुलिस ने वहाँ पे कॉर्डन किया और इनिशियली जो फायरिंग हुई उसके बाद ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ। अभी दो तरफ से फायरिंग हो रही है और अभी पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है कि एनकाउंटर बाजाब्ता शुरू हुआ है। आर्मी, CRPF और पुलिस वहाँ पे है और मिलिटेंटों के साथ इस वक्त झड़प जारी है। रिफा, जरा बताइए ये जो इलाका है वो इलाका कैसा है? देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि ये फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी है, बस्ती है, लेकिन ये जो एरिया है वहाँ पे थोड़ा माउंटेनियस एरिया है। वहाँ ही जंगल में इंफॉर्मेशन मिली सुरक्षा बलों, क्योंकि जंगल में मिलिटेंट छुपे हुए हैं और क्योंकि आपने देखा कि काफी सारे हाइड आउट भी बस्ट किए गए, जंगलों में हाइड आउट बनाए जाते हैं जहाँ पे मिलिटेंट रहते हैं, क्योंकि अक्सर जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बस्तियों में किए जाते थे और हमने देखा कि काफी टाइम तक जो है बाद में मिलिटेंटों ने जंगलों का रास्ता भी इख्तियार किया और वहाँ पे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बाद वहाँ पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और चूंकि फायरिंग अब शुरू हुई दोनों साइड से, तो ये कहा जा सकता है कि एनकाउंटर जारी है और 2 से 3 संख्या बताई जा रही है मिलिटेंटों की हो सकती है। तो 2 से 3 आतंकी दरअसल इलाके में हो सकते हैं, इस बार मुठभेड़ यहां पर चल रही है जैसे ही जानकारी मिली। फिलहाल आपको बता दें ये जो इलाका है आसपास गांव भी हैं और इसीलिए ये पूरे इलाके को घेरा गया है ताकि ये आतंकी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार ना हो जाएं। और ऐसे कई जगह जहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं, पूरे इलाके को घेर कर फिलहाल मुठभेड़ चल रही है। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 एक्सक्लूसिव, ये तस्वीर आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है, संख्या 2 से 3 हो सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर जुड़ी है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान और उस पर मचे सियासी घमासान से। केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे राहुल गांधी ने एक रैली में एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी विवाद शुरू हो गया। केरल के लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वहां के लोगों की राजनीतिक समझ की जमकर तारीफ की, लेकिन इसी दौरान उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों पर समझ पर भी सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि देश के राजनीतिक मुद्दों पर उत्तर भारत के लोगों की समझ सतही होती है। राहुल ने कहा वो 15 साल तक उत्तर भारत से सांसद रहे, लेकिन जो ताजगी उन्हें केरल और खासतौर पर अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में मिली, वैसी पहले उत्तर भारत में नहीं मिली। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद देखिए अब जमकर विरोध भी शुरू हो गया, सियासत शुरू हो गया, विरोध बीजेपी की तरफ से, जो लगातार ये बात कह रही है कि अब तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में आने की जरूरत ही नहीं है, प्रियंका गांधी जो कमान संभाल कर बैठी हैं उन्हें भी वापस बुला लेना चाहिए, ये तमाम बातें स्मृति ईरानी की तरफ से भी कही गई। फॉर द फर्स्ट 15 इयर्स आई वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द नॉर्थ, सो आई हैड गॉट यूज्ड टू अ डिफरेंट टाइप of politics, and for me coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially but going into detail. And recently I was talking to some students in the United States and I said I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. राहुल गांधी के इसी बयान के बाद देश की सियासत गर्मा गई, हमलावर हुई बीजेपी ने इस बयान को उत्तर भारत के लोगों का अपमान बता दिया। पिछले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी को अमेठी से हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें एहसान फरामोश तक करार दे दिया। साथ ही उन्होंने कह दिया कि अगर उत्तर भारत के लोगों से इतनी ही नाराजगी है तो कांग्रेस उत्तर भारत में वोट मांगने ना आए। देखिए, राहुल गांधी ने आज उत्तर भारत की वोटर्स के लिए और विशेषतः 15 साल जहां से वो सांसद रहे वहां की जनता के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया। एक कहा कि वहां की जनता जहां से वो 15 साल सांसद रहे
इसका मतलब अमेठी की जनता सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल का मतलब अगर आप हिंदी में निकालें तो शायद सतही हैं, खोखले हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स का उनको स्वाद तब मिला जब वो केरल में आए। इसका मतलब वो इशारे इशारे में ये कह रहे हैं कि उत्तर भारत के नागरिक और विशेषता वोटर उनकी दृष्टि से इतने बुद्धिमान नहीं है। एहसान परामोश एक शब्द है उर्दू में, शायद सेक्युलर राहुल गांधी को इस शब्द का अर्थ पता हो। आज उन्होंने एहसान परामोशी को चरितार्थ कर दिया है उत्तर भारत की पॉलिटिक्स में। ये तो सिर्फ बार बार अपनी राजनीति के लिए कभी गुजरात और गुजरातियों के खिलाफ अपशब्द कहना, आज उत्तर भारत की जनता को उनकी बुद्धि पर, बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उन्हें खोखला कहना। राहुल गांधी जो सीमित राजनीति करते हैं, देश को, पक्ष को दूसरे पक्ष से लड़ाने की बात करते हैं, उत्तर भारत हो या गुजरात, उसको अपमानित करते हैं। अगर उत्तर भारत से इतना ही बैर है उनको, तो उनकी बहन कहाँ है उत्तर प्रदेश में गली गली जा रही है कांग्रेस का परचम लहराने के लिए? क्यों नहीं कह देते राहुल गांधी अपनी बहन से भी कि ना देखें उत्तर प्रदेश की तरफ, जिसके लिए राहुल गांधी और गांधी खानदान के मन में बिल्कुल ही सम्मान नहीं है। तो राहुल गांधी का बयान आया और ऐसे में बीजेपी को बैठे बैठाए एक मौका मिल गया और इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से भी है। जो बयान है उसको लेकर देखिए, स्मृति ईरानी खुल पर मैदान में उतरी हैं और उन्होंने तो यहां तक कह दिया जिसे आपने सुना कि वो एहसान फरामोश है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर भारत के लोगों से अगर उनको इतनी ही नाराजगी है तो कांग्रेस उत्तर भारत में वोट मांगने ना आए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैं 15 साल उत्तर भारत से सांसद था, लेकिन वहां पर जो मुद्दे होते हैं वो अलग है, वहां की राजनीति अलग है और मुद्दों पर वहां बात नहीं होती। केरल आना उन्हें ताजगी भरा लगा। ये तमाम बातें उन्होंने उस मंच से की जहां पर एक तरफ तो वो दक्षिण की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत के लोग जिन्होंने उनको 15 साल सांसद बनाया उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो मुद्दों पर बात नहीं करते। और इसी पूरे बयान पर अब सियासत गरमाती जा रही है, पलटवार बीजेपी का शुरू हो चुका है। एक के बाद एक ट्वीट्स भी बीजेपी के आ रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे जेपी नड्डा खुद हो, सबने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी इस पर अपनी सफाई कैसे देते हैं? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की तरफ से होनी है। रणदीप सुरजेवाला अब से थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस बयान के लिए क्या है वो क्लियर करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को उनके उत्तर भारतीयों पर दिए गए बयान पर घेरा। नड्डा ने बकायदा ट्वीट किया और लिखा कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में थे तो भारत के पश्चिमी हिस्से के लिए जहर उगल रहे थे, आज दक्षिण में हैं तो उत्तर के लिए जहर उगल रहे हैं। फूट डालो और राजनीति से काम नहीं चलता राहुल गांधी जी, लोगों ने इस तरह की राजनीति को ठुकरा दिया है। देखिए गुजरात में आज क्या हुआ है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के उत्तर भारतीयों की समझ पर दिए बयान पर पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने बकायदा ट्वीट किया और लिखा कि श्रीमान राहुल गांधी जी, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, कृपया आप इसे अपनी ओछी राजनीति की पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद की तलवार से काटने का कुसित प्रयास ना करें। भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। जय भारत माता की जय। वहीं यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी राहुल गांधी के बयान पर भड़क गए और उन्होंने देश को बांटने वाली राजनीति ना करने की नसीहत दे डाली। 15 साल अमेठी उत्तर प्रदेश के वो सांसद रहे, यहीं से राजनीतिक सफर शुरू होता है और आज केरला में जाकर आप उत्तर भारत और अमेठी के लोगों की बुराई करते हैं और कहते हैं कि वो जो मुद्दे हैं मुद्दे नहीं उठाते, उनको किसी और चीज़ में लोभ रहता है और केरला के लोग खाली मुद्दे उठाते हैं, इश्यूज़ को पकड़ते हैं। तो ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की, ये अंग्रेज़ों की नीति रही है, एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, एक ही शब्द आता है कि आप अमेठी की जनता के साथ एहसान फरामोश बन रहे हैं। कांग्रेस के सोच की पार्टी है ये राहुल गांधी के इस बयान से जो उन्होंने केरल में दिया है, इससे साफ हो गया है कि ये हमेशा से बांटो और राजनीति करने वाली पार्टी रही है।
आज भी उनका वक्तव्य ऐसा ही था जिस तरह से वो हमेशा दिया करते हैं कि आज उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोगों का अंतर बताया कि यहाँ के नासमझ लोग हैं उत्तर भारत के और वहां पर समझदार हैं। तो देश में विभाजन जिन्होंने पहले किया था आज भी कोई नई रणनीति कांग्रेस के नेता कर रहे हैं विभाजन के लिए, जैसा राहुल गांधी जी का आज का बयान है, बहुत ही निंदनीय बयान। विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, जहां एक तरफ देखिए राहुल गांधी मंच पर पहुंचे, ठीक है आप दक्षिण भारत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत का अपमान करना क्या शोभा देता है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ देर बाद आधिकारिक एक बयान भी आएगा जिसमें राहुल गांधी के बयान का क्या मतलब देंगे तो विपक्ष उसे निश्चित तौर पर हाथों हाथ लेगा, क्योंकि आप वो राजनीति करने के लिए ही इस मैदान में है और अगर आप अपने विपक्षी राजनीतिक दल को इस तरीके के बयान देंगे तो निश्चित तौर पर वो हमलावर होंगे। इसमें बीजेपी की कोई बात नहीं, अलग से नहीं कह सकते, क्योंकि राहुल का जो बयान है वो निश्चित तौर पर विभेदनकारी बयान है और जिस तरीके से उन्होंने नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण की कंपेरिजन किया, उनका फ़र्क बताया, निश्चित तौर पर वो बीजेपी को एक बड़ा हथियार देता है और यही कारण है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। और एक और बात जिसको लेकर के बीजेपी ज्यादा हमलावर है, उसका ये कहना है कि अमेठी ने जिस तरीके की हार राहुल गांधी को दी थी, जिसका सामना राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के कारण करना पड़ा था, उसकी टीस अभी तक उनके भीतर है और इसी कारण वो नॉर्थ के मतदाताओं को, नॉर्थ को थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बयान का यही मतलब है। तो बीजेपी के नेता इस लाइन पर भी राहुल गांधी के बयान की व्याख्या कर रहे हैं और बीजेपी को ये मौका राहुल गांधी ने खुद दिया है। ठीक है, रहिए जरा साथ। देखिए, उत्तर भारतीयों की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी के बयान पर भला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहां चुप बैठने वाले थे? उन्होंने भी बयान पर पलटवार किया और दावा किया कि उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत भी जल्द ही कांग्रेस मुक्त होगा। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का भंडाधार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पामेला गोस्वामी ड्रग्स केस में पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर कि राकेश सिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और इस मामले में पहले से ही गिरफ्तार पामेला गोस्वामी ने ही राकेश सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद राकेश सिंह को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस भी दिया गया था। राकेश सिंह ने इस नोटिस को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद देर रात पुलिस ने राकेश सिंह को पूर्वी वर्धमान से गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोलकाता ले जाया गया, जहां आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। राकेश सिंह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इशारों पर गिरफ्तारी का आरोप लगाया। आज के छेले के आमा के एटा बंदो करे एखाने टीएमसी आसबे ना, ताई जन्य लज्जा अभिषेक बनर्जी, बॉबी हकीम और ओम प्रकाश मिश्रा इधर के निये एटा हबे, एटा चलबे ना। तलाशी के दौरान पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप में राकेश सिंह के दोनों बेटों को भी गिरफ्तार किया गया। राकेश सिंह के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस को तलाशी के दौरान उनके घर से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। दो तस्वीरें जहां पर देखिए वर्धमान से गिरफ्तारी हुई, वहां अब कोलकाता में पेशी होनी है, जिसके लिए उनको ले जाया गया है कोलकाता। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि उनके जो दो बेटे हैं, जब टीम वहां पर पहुंची तो उनको बाधा काम में डालने का आरोप लगा, जिसके चलते दो बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये गिरफ्तारी जो हुई है, इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि ये अभिषेक बनर्जी के इशारे पर हो रही है और ये जो सीबीआई वहां पहुंची है जांच के लिए अभिषेक बनर्जी के घर, उसी का बदला एक तरीके से लेने की कोशिश यहां पर टीएमसी की तरफ से हो रही है। तो बंगाल की सियासत जो है वो देखिए गर्माती जा रही है, जैसे किस तरीके की स्थिति बंगाल में बनती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ अभिषेक बनर्जी के घर कल पूरे दिन सीबीआई मौजूद थी और वहां पर पूछताछ का सिलसिला रहा अभिषेक बनर्जी की पत्नी के साथ, वहीं दूसरी तरफ यहां रात होते होते राकेश सिंह के घर पर टीम बाकायदा पहुंचती है और उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। साथ ही साथ उनके दो बेटों की भी गिरफ्तारी तलाशी में बाधा डालने के आरोप में होती है।
तो कोकेन केस में ये शिकंजा राकेश सिंह पर कसा गया, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। ये बताया गया कि कई उनके खिलाफ साक्ष्य हैं, हालांकि घर की तलाशी भी हुई और उसी दरमियान ये बताया गया कि घर के जो सदस्य, जो बेटे वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बाधा डालने की कोशिश की, जिसके तहत उन दो बेटों को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ राकेश सिंह की गिरफ्तारी भी हुई है। कोलकाता उनको लाया गया, जहां पर आज कोर्ट में उनकी पेशी भी होनी है। तो कोकेन केस में ये बड़ी गिरफ्तारी। वही राकेश सिंह के परिवार वालों का क्या कहना है, जरा सुनिए। हर जगह बेड से लेके अलमारी से लेके हर जगह, जो भी जगह होता है कमरा में या घर में, हर जगह वो लोग ढूंढे हैं। वो लोग को ना कुछ मिला है और ना वो लोग कुछ हम लोग को अभी बोलने की डॉक्यूमेंट देंगे, पर अभी तक कोई डॉक्यूमेंट हम लोग को दिए नहीं है, पर वो लोग को कुछ मिला नहीं है। हंसते हंसते तीन घंटा से ऊपर कॉन्स्पिरेसी हो रहा था, सर्चिंग हो गया 9-10 मिनट में। वो लोग बाकी का पूरा टाइम वो लोग बैठ के कॉन्स्पिरेसी किया, इसी चीज तक लगे कि मेरा दोनों भाई को उठा के लेके जा पाए। अभी नीचे उतरा, हम लोग के सामने दोनों को किडनैप करके लेके गया। आशिका, यहाँ परिवार वाले तो सीधे ही आरोप लगा रहे हैं कि 10 मिनट में ही सर्चिंग खत्म हो गई थी, उसके बाद वो बैठकर षड्यंत्र रच रहे थे कि कैसे बेटों की गिरफ्तारी हो। क्या अभी भी दोनों बेटे गिरफ्तार हैं या उनको भी छोड़ दिया गया है? बिल्कुल, दोनों बेटे गिरफ्तार हैं अभी, और इसके अलावा फिलहाल राकेश सिंह को लाल बाजार में रखा गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। दिन में आगे मेडिकल कराने के बाद उनको कोर्ट ले जाया जाएगा। परिवार की तरफ से गंभीर आरोप लग रहे हैं, सिर्फ महिलाएं ही वहां पर बची हैं परिवार में और वो फिलहाल कुछ कहने को तैयार नहीं है। बेटे जो दोनों हैं, दोनों को ही साथ में पुलिस लेकर गई है। जो तस्वीरें कल रात को सामने आई थी, जबरदस्ती घसीटते हुए पुलिस उनको लेकर गई थी वहाँ से। तो परिवार का गंभीर आरोप और लगातार बीजेपी की तरफ से भी इस पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये पूरा जो मामला है इसको कोलकाता पुलिस ने अंजाम दिया है। आप रही जरा साथ। वही हुगली के दंडप मैदान में आज सीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी रैली भी करने जा रही हैं। ये वही मैदान है जहां पर दो दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। ममता बनर्जी आज इसी मैदान में अपना जनाधार दिखाने की कोशिश करेंगी। इससे पहले कल सियासत के नाम पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मैदान पर गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया। बताया जा रहा है कि आज की जनसभा में क्रिकेटर मनोज तिवारी भी शामिल हो सकते हैं। आशिका, ये रैली कितने बजे होनी है? देखिए, लगभग 1 बजे के आसपास ये रैली होगी और ममता बनर्जी वहां पर पहुंचेंगी, उसी ग्राउंड से हुंकार भरेंगी जहां परसों उन्हीं की आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। जो बातें रखेंगी वो ये माना जा रहा है कि जो बड़ी खबर या डेवलपमेंट रही है, सीबीआई का शिकंजा अभिषेक बनर्जी के परिवार के ऊपर जो कसा गया है उसको लेकर के बोल सकती हैं, विकास को लेकर के बोल सकती हैं। जैसा कि आपने बताया, मनोज तिवारी क्रिकेटर हैं, हो सकता है आज वो भी ममता के मंच पर हो और टीएमसी में शामिल हो। हावड़ा से मनोज तिवारी आते हैं, जहां से लक्ष्मी रतन शुक्ला न कि सिर्फ विधायक होते थे, ममता के मंत्री भी होते थे। उन्होंने हाल ही में राजनीति से संन्यास ले लिया, तो हो सकता है उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर मनोज तिवारी को भी लेकर आए टीएमसी में। इसके अलावा ममता लगातार रैलीज कर रही हैं और आज हुगली से हुंकार भरेंगी, तो देखने लायक होगा कि क्या वार करती हैं बीजेपी के ऊपर। बिल्कुल रही जरा सा। देखिए, बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि बंगाल में परिवर्तन की लहर है। हमारे लिए केवल सत्ता का परिवर्तन ये हमारा ध्येय नहीं है, हम राज नहीं, हम समाज बदलना चाहते हैं। समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो हमारा किसान है, भूमिहर मजदूर है, हमारा जो युवा है, हमारी जो महिलाएं हैं, इनके जीवन में परिवर्तन लाना ये हमारा अंतिम उद्दिष्ट है। उसके लिए राज तक पहुंचना ये हमारा पहला उद्दिष्ट है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो परिवर्तन की लड़ाई शुरू हो चुकी है और लोगों का रिस्पॉन्स जबरदस्त है। आशिका, यहाँ बीजेपी परिवर्तन की बात कर रही है, लेकिन यहाँ ममता बनर्जी और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अलग तरीके की राजनीति, बकायदा जिस जगह पर रैली होने वाली है वहां पर गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया जा रहा है।
कल यही तस्वीर सामने आई थी अर्पिता की, गंगा जल छिड़क करके डनलम मैदान को साफ किया गया, उसके बाद ममता बनर्जी के पोस्टर फ्लेक्स लगाए गए, जो स्टेज बीजेपी का था वहीं पर ममता का स्टेज अब लगा है, आज वहां पर पहुंचेंगी, क्या कहती हैं ये देखने की बात होगी। परिवर्तन वो नारा है जिसको लगा करके ममता सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी थी लेफ्ट के 35 साल के शासन को हटा करके, और अब परिवर्तन की ही रट लगा करके बीजेपी भी पश्चिम बंगाल में अपना रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, रहिए जरा साथ में, देखिए बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावों पर आज सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की अहम बैठक होगी। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि इस बैठक में चुनाव के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सकता है। बंगाल के अलावा जल्द ही तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद में साबरमती के निकट बने मोटेरा स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज से ही इस मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। ये टेस्ट मैच डे नाइट होगा और गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों से भी मिलेंगे, साथ ही कुछ देर मैच भी देखेंगे। उद्घाटन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। इस स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 दर्शकों की है, लेकिन कोरोना के नियमों को देखते हुए सिर्फ 50% टिकट की ही बिक्री की गई है। तो आज मोटेरा का उद्घाटन होना है राष्ट्रपति के हाथों, और एक ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रहा है। जब पुराने मोटेरा स्टेडियम को तोड़कर नया स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया, तब पीएम मोदी ही गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। नया मोटेरा स्टेडियम कई मायनों में शानदार रहा है, इसकी कई खूबियां हैं। मोटेरा स्टेडियम दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जो 63 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। पुराने स्टेडियम को तोड़कर नया मोटेरा स्टेडियम बनाने में 800 करोड़ रुपए की लागत आई है। गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर मौजूद होंगे और तकरीबन 2 बजे भारतीय जो क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम के कप्तान और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान यहां टॉस करेंगे और उसके बाद पहला डे नाइट टेस्ट मैच यहां पर खेला जाएगा। 1,10,000 की कैपेसिटी है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए तकरीबन 50,000 से 55,000 दर्शकों को यहां बैठने की इजाज़त होगी। फ्लड लाइट देख रहे हैं, वो अपने आप में एक USP है यहां पर। ये फ्लड लाइट जब चालू रहेगी तो यहां जो बैठक है, जो दर्शक बैठे हैं, उनको किसी भी तरीके का गर्मी महसूस नहीं होगी। साथ ही में सबसे एक बड़ा USP कि आप पूरे स्टेडियम को देख लीजिए, कहीं पर भी पिलर नहीं है, पिलरलेस स्टेडियम है। ऐसे में यहाँ पर किसी भी छोर पर अगर आप बैठते हैं तो टेस्ट मैच का या वनडे का मज़ा आप आसानी से यहाँ उठा सकते हैं, और पूरे जो दर्शक होंगे वो प्लेयर्स यहाँ पर जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसको पूरी तरह से आसानी से देख पाएंगे। तो ये बड़ी USP यहाँ पर रही है। मैदान भी यहाँ पर है कि अगर बारिश भी होती है तो आधे घंटे में ये खाली हो जाए मैदान, उस तरीके से इसकी व्यवस्था की गई है। और किसी भी आपात स्थिति में 20 से 25 मिनट में पूरा का पूरा स्टेडियम खाली हो सके, ये भी इसका USP है। तो ये बहुत सारी USP हैं। इससे इस मैदान पर इससे पहले भी बड़े कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, चाहे सुनील गावस्कर के टेस्ट क्रिकेट के 10,000 रन हो, चाहे कपिल देव के 432 विकेट का रिकॉर्ड हो, चाहे सचिन तेंदुलकर का टेस्ट क्रिकेट का पहला दोहरा शतक हो, तो ये कीर्तिमान यहाँ स्थापित हो चुके हैं। और यहाँ जो अहमदाबाद के दर्शक होंगे आज इसी उम्मीद के साथ आएंगे कि जो पिंक बॉल पे ये टेस्ट मैच जो यहाँ पर खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच में, इसमें भी कोई बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा और वो उसके गवाह बनेंगे। तो दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन अब से थोड़ी देर में होना है। जनक हमारे साथ वहीं से मौजूद हैं। जनक, जरा तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए अर्पिता, फिलहाल मैं स्टेडियम के बाहर हूँ, अंदर किसी को फिलहाल जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने वो तस्वीरें आप तक पहुँचाई। बाहर की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जो दोनों क्रिकेट टीम हैं या वो आप आ चुकी हैं, और सुरक्षा बंदोबस्त भी आप देख सकते हैं। पुलिस, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जो सुरक्षाकर्मी है वो यहाँ पर पहरा लगाए हुए है, और ये बाहर का दृश्य है जो स्टेडियम का, और इससे अंदर पूरी तरह से स्टेडियम है और वहाँ पर अब सारी तैयारियाँ हो चुकी है। पिच तैयार है, जो दर्शक हैं वो अब धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं वहाँ पर अंदर, और किसी भी तरीके
का कोई जोखिम ना रहे उसको लेकर स्क्रीनिंग से लेकर सारी चीज़ें, चाहे कोविड गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है, साथ ही में और भी किसी का तरीका खतरा ना रहे, तो ऐसे में स्क्रीनिंग हो हर व्यक्ति की, साथ ही में जो गाइडलाइंस है वो फॉलो की जा रही है। तो तकरीबन 2 बजे के आसपास, ये 2 से 2:15 का समय बताया जा रहा है, आधिकारिक जो कार्यक्रम है जहाँ राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करने वाले हैं वो तकरीबन 11:30 से 12 के बीच में होगा, जबकि मैच जब राष्ट्रपति दोनों टीमों के प्लेयर्स को मिलेंगे वो 1 से 1.5 का वक्त बताया जा रहा है, उसके बाद टॉस होगा और फिर यहाँ पहला जो भारत और इंग्लैंड के बीच की टेस्ट सीरीज़ का जो पहला डे नाइट मैच है वो यहाँ पर खेला जाएगा। और जैसे मैंने कहा अर्पिता आपको, इस मैदान में बहुत कीर्तिमान स्थापित हुए, सुनील गावस्कर ने अपने टेस्ट क्रिकेट के 10,000 रन बनाए थे, कपिल देव ने रिचर्ड हेडली की जो 432 विकेटों का जो रिकॉर्ड था 31 विकेट का वो तोड़ा था, और सचिन तेंदुलकर ने 1999 में अपनी टेस्ट जो पारियां उन्होंने खेली उसमें पहला दोहरा शतक जो वो भी इसी मैदान पर खेला गया था। तो ऐसे में बहुत कीर्तिमान बड़े बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर लगाए, तो ऐसे में आज जब मैच होना है दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, कहानी भी मैं आपको बताऊं कि जब इस मैदान को रिनोवेट करने की बात की जा रही थी और यहाँ के पदाधिकारी जब प्रधानमंत्री को मिलने गए 2014 में, तब उन्होंने कहा कि रिनोवेट क्यों करना है, क्यों ना हम नए सिरे से बनाएं, और न कि केवल नए सिरे से छोटा लेकिन बल्कि ऐसा मैदान बनाएं जो दुनिया में कहीं ना हो, और आज वो जो प्रधानमंत्री का सपना था वो पूरा हो रहा है। पिछले साल इसी तारीख पर बिल्कुल देखिए मोटेरा स्टेडियम जो है वो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जब पुराने मोटेरा स्टेडियम को तोड़कर नया स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया तब पीएम मोदी ही गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। नया मोटेरा स्टेडियम कई मायनों में शानदार है, इसकी खूबियां बेमिसाल है। मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो 63 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। पुराने स्टेडियम को तोड़कर नया मोटेरा स्टेडियम बनाने में 800 करोड़ रुपए की लागत आई। जानकारी के मुताबिक ये स्टेडियम 32 फुटबॉल मैदान के बराबर है जिसमें एक साथ 1,10,000 दर्शक बैठकर मैच देख सकते हैं। लगातार खेलने से पिच ना खराब हो इसलिए मुख्य मैदान पर 11 क्रिकेट पिच बनाई गई है, साथ ही इसमें आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है जो आधे घंटे में पूरे मैदान को सुखा सकता है। मोटेरा में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स भी बनाए गए हैं और हर बॉक्स में 25 लोगों के बैठकर मैच देख सकने की व्यवस्था है। यहाँ क्रिकेट के अलावा स्विमिंग पूल, बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट भी है, साथ ही मोटेरा में इंडोर क्रिकेट अकेडमी और 3 प्रैक्टिस ग्राउंड भी है। जनक हमारे साथ मौजूद हैं और जनक जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कैसे ये नींव रखी गई कि क्यों ना इसको रिनोवेट करने की जगह पूरा एक नए सिरे से बनाया जाए, इसको लेकर यानी एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो क्या आज वो कुछ बात भी इसके विषय में बोलेंगे भी, संबोधित भी कर सकते हैं क्या? देखिए अब तक तो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि प्रधानमंत्री इस मामले में, हाँ होगा और उनका संदेश है तो वो ज़रूर यहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट की बात जो मैं कर रहा था कि जब आप किसी की पदाधिकारी जब से मैंने जब यहाँ पे बात की तो उन्होंने कहा कि हम भौचक्का रह गए थे जब प्रधानमंत्री ने कहा कि क्यों ना हम नए सिरे से ऐसा वर्ल्ड क्लास बनाएं जो कहीं पर ना हो। 1,10,000 की कैपेसिटी, 90,000 मेलबोर्न में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में तो वो है, तो अब 1 से 1.5 साल तो केवल उसके रिसर्च में लगा कि कैसे इसको बड़े से बड़ा स्टेडियम के तौर पे बनाया जाए, और न कि केवल क्रिकेट लेकिन बाकी ओलंपिक गेम्स भी अगर खिलानी है तब भी उसके गिर्द वहाँ पर खिलाई जाए, तो ये भी ध्यान में रखना था कि केवल क्रिकेट को ध्यान में रखते ही न बनाया जाए। तो बहुत सी सारी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम जिन्होंने बनाया उनकी मदद ली गई, काफी इसके पीछे प्रयास हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार जुड़ते रहे, आज उनके बेटे जय शाह भी हैं अब सेक्रेटरी के तौर पे, और उसके बाद यहां पर धनराज नथवानी हैं जो जीसीए के वाइस प्रेसिडेंट है, तो कुल मिलाकर कहें कि बहुत इसके पीछे एफर्ट लगे, और उसके बाद जबकि एक दुनिया का सबसे बेहतरीन, और हमने देखा कि बहुत से खिलाड़ियों ने जो ट्वीट किए हैं इस स्टेडियम को देखने के बाद, उन्होंने कहा कि हमने दुनिया भर में क्रिकेट खेली, हर जगह के स्टेडियम देखे, हर जगह की फैसिलिटी देखी, शायद ही मोटेरा स्टेडियम से मैच कर पाए ऐसा कोई स्टेडियम पूरे वर्ल्ड में बना है। तो ये अपने आप में एक बड़ा क्रेडिट है अहमदाबाद क्रिकेट एसोसिएशन, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के लिए कि जिन्होंने प्रधानमंत्री के सपने को इस तरीके से संजोया और बनाया कि आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम के तौर पर, और देखिए आया भी कौन, तो पिछले साल इसी तारीख पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए थे, तो बड़ी बड़ी शख्सियत जब इस मैदान में इससे पहले ही आ चुकी है, अब हालांकि पिछले एक साल में कोई
आधिकारिक मैच नहीं हो, लेकिन आज मैच वहीं होने हैं और आधिकारिक तौर पर इस मैदान को खुला रखा जाएगा। तो यह इसके बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं इस स्टेडियम से जुड़ी, वाकई में फ़ख्र महसूस कराती है। गुजरात में एक ऐसा नया स्टेडियम भी बना जो एक नए नाम दे सके गुजरात को, चाहे वो स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात करते थे अब तक, अब बोटरा स्टेडियम की बात करें तो दुनिया में जो दो बड़ी अप्रतिम प्रतिमा की बात की है, बड़े स्टेडियम की बात करें, दोनों फिलहाल गुजरात में मौजूद है। बिल्कुल, और देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो आज इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं और ये एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा मोटेरा स्टेडियम बनकर तैयार है, आज ही राष्ट्रपति इसका उद्घाटन भी करेंगे। अहमदाबाद में साबरमती के निकट बने मोटेरा स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज से ही इस मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच भी खेला जाना है और ये टेस्ट मैच डे नाइट का होगा, गुलाबी गेंद से ही खेला जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही कुछ देर मैच भी देखेंगे। ये उद्घाटन कार्यक्रम जनक कब होना है? बिल्कुल 11:30 का वक्त दिया गया है, लेकिन उसमें थोड़ा देरी हो सकती है, 12 बजे कार्यक्रम शुरू हो सकता है और तकरीबन 1 घंटे में ये कार्यक्रम पूरा करना है जो आधिकारिक लॉन्चिंग का है, और उसके बाद राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री, ये सारे और बाकी जीसीए के जो पदाधिकारी हैं वो जो मंच वो मेरे लेफ्ट साइड पर है वहाँ पर वो मंच बनाया गया है और वहाँ से ये स्टेडियम मेरे राइट साइड में है वहाँ पर सारे पदाधिकारी जाएंगे राष्ट्रपति के साथ और दोनों क्रिकेट टीम के प्लेयर से मुलाकात होगी राष्ट्रपति की और उसके बाद ये मैच होगा यहाँ पर। तो राष्ट्रपति थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठेंगे और पहला जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच की जो टेस्ट सीरीज़ है उसका तीसरा टेस्ट और वो भी पिंक बॉल पे खेला जाना है, तो ऐसे में थोड़ी देर वो ज़रूर यहाँ पर मैच देखेंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। और बिल्कुल 11:30 ये कार्यक्रम आप बता रहे हैं होना है, उस पर भी नज़र होगी जब ये उद्घाटन होगा खुद राष्ट्रपति के हाथों। वहीं आज से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच डे नाइट टेस्ट मैच भी खेला जाएगा और इसके साथ ही विश्व गुजरात विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में 24 दिनों का क्रिकेट उत्सव मना रहा है। मोटेरा में भारत और इंग्लैंड 3 अलग अलग रंगों की गेंद से खेलेंगे। 24 फरवरी को डे नाइट टेस्ट गुलाबी गेंद से होगा जबकि चौथा टेस्ट लाल गेंद से खेला जाएगा। वहीं T20 मैच में सफेद गेंद इस्तेमाल की जाएगी। ये क्रिकेट उत्सव आप लाइव देख सकते हैं 24 फरवरी दोपहर 1:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स पर। बल्ला घुमा दो, जुगल फुकावा दो, स्पीकर फाटवा दो, आरंभ हो मुकाबला। अहमदाबाद तैयार छे, खेल संग रासड़ा, अहमदाबाद तैयार छे, कन्यानी बीट पर, क्रिकेट नी पिच पर, जामे हो छे रंग नाचो, गुजरात माचो तो नाचो 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 नाचो, जब रे क्रिकेट फैन छो तो नाचो 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 नाचो, अहमदाबाद तैयार छे क्रिकेट ना रास माटे। बच्चे चाहें तो देश बदल दे, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दे, ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 27 फरवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए हरियाणा की जान, देश की शान, 14 साल की टेबल टेनिस चैंपियन, रोहतक में रहने वाली सुहाना सैनी अंडर 15 में देश की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी है। पूरी दुनिया में उसकी रैंकिंग भी 22 है। सुहाना अब तक 39 राष्ट्रीय और 29 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीत चुकी है जिनमें US ओपन से लेकर साउथ एशिया जूनियर कप शामिल है। सुहाना ने 6 साल की उम्र से खेलना शुरू किया, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी उसकी माँ ही उसकी गुरु है। सुहाना कई बार चीन जापान के खिलाड़ियों को हरा चुकी है और अब ओलंपिक्स में गोल्ड लाने का सपना देख रही है। 27 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए इस विलक्षण बच्चे से, जरूर देखिए बाय।